स्टूडेंट्स, तो आज इस हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटेल स्टडी अबाउट द स्विचेस। स्विचेस क्या हैं? स्विचेस एक ऑन ऑफ डिवाइस है। आप देखते हैं अपने अप्लायंस में, टेलीविजन में, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे आप स्विच लगा के रखते हैं। स्विच को अगर आप ऑफ कर देते हैं तो सर्किट में करंट आना बंद हो जाती है, अप्लायंस काम करना बंद कर देता है। अगर स्विच को ऑन कर देते हैं तो सर्किट में करंट आना शुरू हो जाती है। यानी कि स्विच क्या है? स्विच एक ऑन ऑफ डिवाइस है। आपने शायद पहले भी कभी पढ़ा होगा कि हम एक सिंबल ये बनाते हैं सर्किट में, जब हम स्विच की बात करते हैं तो ये देखिए, ये स्विच का सिंबल होता है, ये ऑफ की कंडीशन है और ये ऑन की कंडीशन है जिसमें डॉट लगा हुआ है बीच में। हम स्विच को इस तरह से भी बनाते हैं, ये सिंबल बनाते हैं इस तरह से। सिंपल वे में अगर हम देखें तो आप सब लोग स्विच को अपने डेली लाइफ में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं। ये स्विच एक ऑफ ऑन डिवाइस है किसी अप्लायंस से करंट को डिसकनेक्ट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए या सर्किट में करंट को लाने के लिए या रोकने के लिए। दूसरी बात, ये स्विच हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर के साथ। क्या बोला मैंने? ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर के साथ। आप देख सकते हैं ये एक लाइव वायर आ रहा है, ये टर्मिनल है और ये हमने बीच में एक स्विच लगा दिया और स्विच के दूसरे एंड से ये लाइव वायर निकल के गया और बल्ब के एक एंड पे टर्मिनल में चला गया और बल्ब के दूसरे देखिए वायर से ये न्यूट्रल निकल के चला गया, तो सर्किट पूरा हो जाएगा। यहां जो ये स्विच होता है इसके अंदर एक मेटल की स्ट्रिप लगी होती है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये मेटल स्ट्रिप इस पे कनेक्ट हो जाती है, इसके टर्मिनल से ये जुड़ जाती है तो करंट जाना शुरू कर देगी। और जैसे ही आपने इसको ऑफ की कंडीशन पे ले आए तो ये मेटल स्ट्रिप यहां से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो डिस्कनेक्ट होने से क्या होगा? करंट यहीं पर रुक जाएगी, करंट आगे अप्लायंस में या सर्किट में फ्लो नहीं करेगी। मींस इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये सीरीज में लगाया जाए और हर अप्लायंस के रिलेशन में लगाया जाए। एक अप्लायंस को बंद करना है तो एक जगह पे हमने लाइव वायर में स्विच लगाया। अभी डिस्कस करेंगे अगर हम न्यूट्रल में लगा दें तो क्या होगा, वो इसके बाद में देखेंगे। पहले तो ये बात समझ लीजिए, ये स्विचेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगल पोल स्विच और एक होते हैं डबल पोल स्विच। देखिए पोल, पोल मतलब हम दो एंड्स बोल रहे हैं, सिंगल पोल स्विच और डबल पोल स्विच। अगर हमने इसको स्विच ऑफ किया, अप्लायंस लगा हुआ है हमारा, क्या लगा हुआ है? अप्लायंस लगा हुआ है और हमने स्विच ऑफ कर दिया इस स्विच को, तो लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए ये लाइव वायर यहां से डिस्कनेक्ट हो गया लेकिन न्यूट्रल कनेक्टेड है। इस कंडीशन में ऐसे पोल को, ऐसे सिंगल पोल, इस स्विच को सिंगल पोल स्विच बोलते हैं क्योंकि एक पोल डिस्कनेक्ट हुआ, एक पोल कनेक्टेड है। तो इस तरह के स्विचेस का यूज हम अपने डेली लाइफ के अप्लायंसेस में करते हैं, जहां पे हमें अप्लायंस को ऑन और ऑफ करना है। फैन लगा हुआ है, उसके स्विच को ऑफ कर दिया तो न्यूट्रल कनेक्ट रहता है लेकिन लाइव डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो लाइव में करंट यहीं पर रुक जाती है। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है ना, जो मेन बोर्ड होता है घर में जहां से करंट आती है, वो तो बड़ा हैवी लोड है, वहां से जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो स्विच का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि लाइव और न्यूट्रल दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपने जब वीडियो देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जो मैंने डिस्कशन किया था, वहां पे दोनों वायर यानी लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में उस स्विच बॉक्स में गए थे। तो अगर हम स्विच को ऑफ करें और लाइव और न्यूट्रल दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएं, यानी दोनों सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएं, ऐसे स्विच को कहते हैं डबल पोल स्विच। तो जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वहां पे हम डबल पोल स्विच यूज करते हैं और जो हमारे नॉर्मल अप्लायंसेस होते हैं वहां सिंगल पोल स्विच यूज करते हैं। तो जब केवल लाइव डिस्कनेक्ट हो रहा है तो वो सिंगल पोल स्विच करेगा और जब अगर हम सर्किट में लाइव और न्यूट्रल दोनों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो ये काम कौन करेगा? डबल पोल स्विच करेगा। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे कि ये स्विच को लाइव वायर में क्यों लगाया गया। अगर न्यूट्रल में लगा दे तो क्या प्रॉब्लम होगी? क्या अप्लायंस बंद नहीं होगा? देख लेते हैं इसको क्या होगा इसमें। तो अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आया कि हम लाइव वायर में स्विच को क्यों कनेक्ट करते हैं और अगर न्यूट्रल में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। आप देख सकते हैं ये दो सर्किट्स बने हुए हैं, ये बल्ब लगा हुआ है, ये भी बल्ब है, ये लाइव वायर आ रहा है और ये लाइव वायर में हमने यहां पे स्विच लगा दिया। ये लाइव वायर पे हमने स्विच लगाया जो कि सीरीज में लगा हुआ है लाइव वायर के साथ में और लाइव वायर में लगा हुआ है। ये लाइव आया, अप्लायंस में चला गया और इस बल्ब से निकल के ये न्यूट्रल वायर आ गया। न्यूट्रल वायर से रिटर्निंग करंट आती है, लाइव वायर से मेन करंट जाती है। लेकिन इस डायग्राम को देखें तो यहां पे लाइव वायर को डायरेक्ट हमने बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल वायर में
स्विच को सीरीज में लगा दिया। पहले चलते हैं इस सिचुएशन पे, जो ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब यहां पर जब लाइव से करंट आना शुरू हो गई, आपने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन किया तो करंट आ रही है, ये करंट आ रही है, स्विच की ये स्ट्रिप जुड़ गई और यहां से होती हुई बल्ब में आई, बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि ये रिटर्निंग करंट वापस चली जाएगी, सर्किट पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपने स्विच को अब ऑफ कर दिया, तो अब आपने इसको ऑफ कर दिया। जैसे ही इसको ऑफ किया तो ये मेटेलिक स्ट्रिप डिस्कनेक्ट हो जाएगी यहां से, और मेटेलिक स्ट्रिप डिस्कनेक्ट होगी तो ये करंट देखिए यहां से तो आएगी यहां तक, लेकिन यहां पे करंट नहीं आएगी, नो करंट। जब यहां पे करंट नहीं आएगी तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, ये नहीं ग्लो करेगा और करंट यहीं पर रुक गई। इस कंडीशन में ये जीरो पोटेंशियल पर आ जाएगा, ये अप्लायंस चाहे बल्ब हो या कोई भी अप्लायंस हो, जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, एवरीथिंग इज सेफ। इस सिचुएशन को देखें, यहां से करंट आ रही थी, ये करंट आ रही है और आपने स्विच को ऑन करा। अब स्विच को ऑन किया तो ये करंट अप्लायंस में आई और यहां से न्यूट्रल से होती हुई वापस चली गई और बल्ब ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तब भी बल्ब जलता हुआ मिलेगा चाहे आप न्यूट्रल में स्विच लगाएं। अब आपने स्विच को ऑफ कर दिया, जैसे ही स्विच को ऑफ किया तो आप स्विच ऑफ करेंगे, ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, जलना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो करंट आ रही थी बल्ब में होती हुई यहां पर आके रुक गई। अब ये सर्किट इनकम्प्लीट है क्योंकि ये स्ट्रिप अलग हो गई तो करंट आगे नहीं जा पाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बल्ब बंद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका काम तब भी हो गया बिल्कुल वैसे ही। लेकिन एक फर्क हो गया, क्या? पहले जब आपने इस कंडीशन में जब सीरीज में लाइव वायर में स्विच लगाया था तो करंट यहीं पे रुक गई थी, अप्लायंस पे जीरो पोटेंशियल आ गया था, लेकिन आप यहां पे देखें तो ये करंट अभी भी यहां पर बल्ब में आ रही है और बल्ब हाई पोटेंशियल पर है। बल्ब कहां पर है? हाई पोटेंशियल पे है, क्योंकि करंट अभी भी है ऑफ की कंडीशन में, यहां ऑफ की कंडीशन में जीरो पोटेंशियल पे था बल्ब। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, आप अगर बल्ब को चाहते हैं चेंज कर दें और गलती से आपने बल्ब के किसी मेटल पार्ट पे अगर हाथ लग गया तो क्या होगा? ये करंट इधर तो जा नहीं पा रही है, आपकी बॉडी से पाथ बनाती हुई अर्थ हो जाएगी और आप चिपक सकते हैं, फेटल शॉक लग सकता है अगर फॉल्टी अप्लायंस है या कोई और चीज है इसमें दिक्कत। तो हर समय करंट आपके अप्लायंस में आ रही है, ये समझदारी की बात नहीं है। तो इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि हम कभी न्यूट्रल में स्विच को नहीं लगाएंगे। हम अपने घरों में आप तार के टर्मिनल बदल के भी बल्ब को ऑन कर लेते हैं, अप्लायंस को ऑन कर लेते हैं, वो काम करता है, ऑफ भी हो जाता है ऑन भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो ये मान के चलिए न्यूट्रल में अगर स्विच कनेक्ट है या फ्यूज कनेक्ट है तो हर समय वो करंट आती रहती है, हाई पोटेंशियल पे रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन सबसे पहले टेस्टर से उसको चेक करते हैं कि लाइव का पाथ कौन सा है, न्यूट्रल का पाथ कौन सा है, और स्विच को हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं।